नमस्कार, टारगेट विद पीएस परियार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। आज आपके वीडियो में आपने देखा कि पीछे सारे चीज़ें कंप्लीट हो गई संधि तक, तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में विकारी के जो दो भेद है, डाले थे एक विकारी दूसरा अभिकारी। विकारी के भी चार भेद थे, अभिकारी के भी चार भेद थे, जिसमें से विकारी के जो चार भेद थे उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना था नंबर एक जो आपका था संज्ञा, इसी के बारे में हमें जानना है और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से प्रश्न भी बराबर आते हैं और आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी संज्ञा है, वाक्य में संज्ञा का अर्थ क्या होता है, चीज़ें पूछी जाती। संज्ञा किस भाषा का शब्द है, या संज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर किसके अनुसार कितने भेद होते हैं संज्ञा में, तो आइए हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा से एक प्रश्न आपका बनता है कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम। किसका नाम? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के अगर नाम से हम बोध करते हैं वही क्या होता है संज्ञा। और अगर नाम ना हो तो, यानी कहने का मतलब कि अगर संज्ञा ना हो तो वाक्य भी अधूरा होता है, यानी कि अगर संज्ञा नहीं है तो उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो अभिकारी है वह है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। लेकिन किसी न किसी नाम का होना जरूरी होता है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम। दूसरा आपका बनेगा कि संज्ञा किस भाषा का शब्द है, तो संज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा संज्ञा शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? सम उपसर्ग लग गया है। संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। तो ये आपने देखा इतने प्रश्न आपके यही एक शब्द से बन गए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा किस भाषा का शब्द है, संज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है और संज्ञा में कौन सी संधियां हो सकती हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसा है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक विकारी शब्द है। कहने का मतलब है कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना, यानी कि यह लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, कारक के आधार पर। जैसे कह देने से कि आपने कहा लड़का, तो इससे प्रयुक्त हुआ कि आपका पुल्लिंग है, लेकिन लड़की कह देने से क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। और लड़के कह देने से आपका क्या हो गया? बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। यानी कि कहने का मतलब होता है कि यह विकारी शब्द होता है, यानी कि संज्ञा लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित तो होता है। इसमें इतना चीज जानने के बाद अब आप आएंगे किसके भेद के बारे में। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके कितने भेद होते हैं, तो कुल मिला के जो चीज़ें हमको जाननी है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं, तो हिंदी में संज्ञा के आपसे प्रश्न बनेगा, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच। अर्थ के आधार पर कितना होता है? अर्थ के आधार पर पांच। चलिए इसको एक चीज करते हैं, दूसरे में फिर देखते हैं हम। इसके बाद जो चीज़ों के बारे में हमें जानना है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपने देखा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के थे। इसके बाद हमें जो जानना है, अब जानना है कि संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति स्थान वस्तु आदि के नाम के बोध करने, यानी कि जिसमें नाम का बोध होता है वही क्या होता है? संज्ञा। अब हमें जानना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो जो आपके संज्ञा के भेद जानना है, तो कुल मिला के हिंदी में जो संज्ञा के भेद होते हैं वो आपके होते कितने हैं? पांच। तो संज्ञा के जो पांच भेद होते हैं, अब इसके बारे में जानना है,
संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमको जानना है कि कुछ वैज्ञानिक यानी व्याकरणिक लोगों का मत रहा है, किसी ने कोई और नाम दिया, किसी ने किस आधार पे किया, यानी कि इधर जो हम लिखेंगे संज्ञा के 5 भेद, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। अब आपसे जो प्रश्न बनेगा, अब ये 5 भेद होते कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक, तीसरा आपका समूहवाचक, चौथा आपका भाववाचक और 5वां आपका द्रव्यवाचक। ये आपके हुए किसके आधार पे? हिंदी में कितने भेद हुए, प्रयोग के आधार पे कितने भेद हुए और अर्थ के आधार पर कितने भेद हुए। अब आपसे प्रश्न एक और बनता है, एक पूछा भी जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मूल रूप से ये भी आपके कितने भेद होते हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया था कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पे भी आपके संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जन्म के आधार पर भी या संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति हो या मूल हो या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हो, तो जन्म के अनुसार भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो आपने देखा कि किसके आधार पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद, मूल संज्ञा कितनी होती है? 3। यानी कि उत्पत्ति, जन्म, मूल और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 भेद होते हैं। हिंदी में सामान्यतः 5 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हमें जाननी है, अब हमें ये जानना है कि कौन कौन सी संज्ञा, जो 5 भेद थे आपने वहाँ पे देखा, व्यक्तिवाचक 2, जातिवाचक 3, समूहवाचक 3, द्रव्यवाचक। अब देखिए, ये तो आपके संज्ञा के 5 भेद, प्रयोग के आधार पर 5 भेद और अर्थ के आधार पर 5 भेद। अब मूल रूप से यानी कि संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं, तो नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिवाचक। यहाँ पे आपको ये जानना कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी हैं और जन्म के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा क्या है? भाववाचक। अब इसमें ये जानना कि कौन सी संज्ञा किसके अंतर्गत आती है। उन्होंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को 3 भेद माना, जो मुख्य रूप से आपके संज्ञा के भेद माने जाते हैं। इसमें एक चीज जानना है, उन्होंने क्या किया कि समूहवाचक को क्या किया कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रख दिया और द्रव्यवाचक को क्या किया,
यानी कि इसके उपजाति बना दिए, द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया गया। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर, या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक होता है। समूहवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा गया है और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। और आपके मुख कुल मिला के संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के पांच भेद होते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कि संज्ञा के जो पांच भेद होते हैं उसमें से सबसे पहले नंबर एक क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि किसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहा जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु के नाम का अगर बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नंबर एक व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में क्या आता है आपका राम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, जो भी आप ले लें, तो ये आपका क्या हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। यानी कि व्यक्तियों के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आप देखिए दिशाओं के नाम, आपके पेपर में आता रहता है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दिशाओं यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितने भी आपके दिशाओं के आठ दिशाओं के रूप में बांटा जाता है, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं जानते हैं, तो दिशाओं के नाम जितने भी होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी आपके आते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा आपका देखेंगे देशों के नाम, तो देशों के नाम जितने भी हैं सबके नाम ले लीजिए, भारत, चीन, जापान, जो भी हैं, यानी कि देश के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत, चीन, अमेरिका, जो भी आप नाम रख सकते हैं देशों के नाम जितने जानते हैं उनके बारे में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये प्रश्न थोड़ा उलझाऊ होता है, आपके पेपर में आ जाता है। यानी कि राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या है, आपकी संज्ञा है। अब कैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, तुर्की, चीनी, जापानी, और एक चीज़ यहाँ पे जब विशेषण पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे, यानी कि जितने भी इकारांत यानी कि जो भी ई प्रत्यांत होते हैं वो अक्सर ज़्यादातर वो आपके विशेषण के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रश्न आपके जब विशेषण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी, आपके पेपर में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जातियों के नाम हो गए, समुद्रों के नाम, समुद्रों या महासागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, अभी आपके एक पेपर में आया था काला सागर कौन सी संज्ञा है, पूछ लेता है, तो कहने का मतलब है कि समुद्रों के नाम या सागरों के नाम आते हैं तो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद नगर, यानी कहने का मतलब है नगरों या चौकों, नगरों के नाम, चौकों के नाम और सड़कों के नाम, कोई भी मार्ग का नाम अगर आपसे ले लिया जाए, जैसे नगर के आपके क्या है, वाराणसी गया, चौक में अभी एक प्रश्न आपके हाल ही में आ गया था, जैसे दे दिया गया था चांदनी चौक कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक, अशोक मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, सड़कों के नाम आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो इस तरह के अगर सड़कों के नाम, नगरों के नाम, चौकों के नाम आते हैं, ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, चांदनी कौन सी संज्ञा है, काला सागर कौन सी संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद और भी हैं, जैसे पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, आपके पेपर में पूछ लेता है पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, तो पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम जो होते हैं, जो भी आपके पुस्तक हो, जैसे हम धार्मिक पुस्तकों की बात करें, कोई भी पुस्तक हो, समाचार पत्रों के नाम, तो समाचार पत्रों या आप जो भी लेते हैं हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इंडियन प्रेस, जो भी पत्रिकाओं के नाम हो, पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, कोई भी पुस्तक आप हो, सभी पुस्तकों के नाम अगर आ जाते हैं समाचार दैनिक जीवन में, जितने भी पत्र आपके घर पे ही आते हैं, तो अगर ऐसे नाम पूछ ले जाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम,
ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम। तो ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे आपका ऐतिहासिक युद्ध हो गया पानीपत की पहली लड़ाई, द्वितीय बक्सर की लड़ाई, या कोई घटनाएं आपके घटित हो गई है, सिपाही विद्रोह, इस तरह के अगर नाम से संबोधित किया गया तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। साथ में आप जानेंगे दिनों के नाम, दिनों या महीनों के नाम जितने भी होते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिन आपके सोमवार, मंगलवार अंग्रेजी में हो या हिंदी में, महीनों के नाम हिंदी में लेंगे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। साप्ताहिक वर्षों के, वार्षिकों के नाम जितने भी होते हैं, वार्षिक वार्षिक, तो इन सब के अगर नाम आते हैं तो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आप देखेंगे त्योहारों एवं तिथियों के नाम, त्योहारों एवं तिथियों के नाम। तो जैसे आपका क्या है, रक्षाबंधन, विजयदशमी, कोई भी, देखिए त्यौहार और तिथियों के नाम में लोगों को कभी कभी लगता है कि दोनों एक है कि अलग है। तो तिथियों का मतलब होता है जिसकी तिथि निश्चित हो, और त्यौहारों की तिथि निश्चित नहीं होती, वो आती है तो उसमें पता चलता है कि फला तारीख को ये चीज़ें हैं। लेकिन तिथियों में जैसे किसी का आप कोई भी दिवस मनाते हैं, जैसे भी कल जनवरी 24 जनवरी था, बालिका दिवस था, इस तरह के आपके आते हैं, किस दिन युवा दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो तिथि जिसकी निश्चित होती हैं उन तिथियों के नाम, और त्योहारों की तिथि इनके निश्चित नहीं होते हैं। तो आपके विजयदशमी, दशहरा, होली, दीपावली, इस तरह के जो नाम आपके आते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपने देखा कि किन किन चीज़ों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो टॉप व्यक्तिवाचक संज्ञा के, कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद ही दूसरा जो भेद हमारा होगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा में हमें क्या करना होता है, कभी कभी लोगों को समस्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस संज्ञा में, कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा में किसी एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यह भी कहने का मतलब इसमें है कि जाति का बोध होता, जैसे आपने वहाँ राम का नाम लिया तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन राम क्या है, उसकी जात क्या बोध करेंगे, तो राम एक लड़का है तो लड़का क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहाँ पे जैसे नदियों के नाम जितने होते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन गंगा की जाति बता देंगे तो गंगा की जात क्या, आप ये कहेंगे कि एक नदी है, नदी क्या हो गई आपकी, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से यानी कि संबंधियों, जितने भी संबंधी होंगे, संबंधियों या व्यवसायों यौम कार्यों के जितने भी नाम होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पदों के नाम भी आपके क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संबंधियों में जैसे भाई, बहन, कोई भी आप ले लीजिए, बहन, भाई, व्यवसाय, पद है आपका क्या, प्रोफेसर, कार्य बहुत लोग ठग के रूप में कार्य करते हैं, प्रोफेसर, ठग, जुल्हा, जो भी जिसका जो व्यवसाय होता है, मंत्री, तो इस तरह के आपके सारे शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पशु पक्षियों के नाम, में बहुत कंफ्यूजन की चीज़ें होती है, लोग कहते हैं सभी, यानी कि जितने भी पशु पक्षियों होते हैं उनके नाम, जैसे तोता, कौवा, मैना, गाय, भैंस, सबके नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। जैसे एक गाय कह देने से गाय की सभी प्रजातियों का बोध होता है, अगर उसी गाय में आप उस गाय का नाम रख दें, ओसवाल गाय, जो भी जर्सी गाय, जिस तरह से करते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि अगर इनकी बता दिया जाए, कोई भी पशु पक्षियों के नाम हो जाए तो भी वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। वस्तुओं के नाम, जितने भी वस्तुओं के नाम बतला दिए जाए, जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी, सब क्या जाए उससे अलग अलग प्रकार के होले ही, पुस्तक, कलम, टेबल,
आदि वस्तुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्व का मतलब है आपका जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके नाम का बोध हो जाए तो भी वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अभी हम एक साथ सबका क्लियर करते हैं कि कैसे कौन कौन से होते हैं, तीन चीज़ पढ़ लेंगे तो इसके बाद क्लियर करते हैं। इसके बाद देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर तीन क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा जो है किसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राणिवाचक एक अप्राणिवाचक, यानी कि एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। सजीव निर्जीव का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे व्यक्तियों का समूह बनता है और दूसरा व्यक्तियों का समूह और दूसरा आपका वस्तुओं का, वस्तुओं का समूह। देखिए व्यक्तियों के समूह में क्या है? सभा, दल, गिरोह, भीड़, मेला आदि आपके शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? गिरोह। तो इस तरह के सारे शब्द आपके किस में आ जाएंगे? व्यक्ति, सभा, कक्षा आपके आएंगे। इसमें क्या है आपके वस्तुओं का जो समूह होता है उसमें क्या होता है? कुंज, घौद, इस तरह के जो वस्तुओं के आपके होते हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं। अब इसमें देखना रहता है कि आपसे प्रश्न जो पूछ लिया जाता है, जैसे जरूरी नहीं ऐसे भी शब्द दे के पूछ लिया जाएगा कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न बच सकता था कि डाकुओं का जा रहा है क्या? गिरोह, झुंड, जत्था, कारवां, क्या जा रहा है? वहाँ पे सही शब्दों का चयन करना। तो डाकुओं का क्या होता है? गिरोह होता है। ऊँटों का क्या निकलता है? कारवां निकलता है। इस तरह से आपके जो चीज़ें पूछी जाती हैं दैनिक जीवन में, यानी सिपाहियों का जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस तरह से आपके प्रश्न आपके यहाँ पे बनते। पहले अब आते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में, हम जानते हैं कि तीनों चीज़ों को हमें समझना कैसे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक को। तो इसके पहले सरल भाषा में हम पहचानेंगे कैसे। जैसे हुआ आपका व्यक्तिवाचक, इसीलिए तीनों को एक साथ पढ़ा रहे, व्यक्तिवाचक हुआ और जातिवाचक हुआ। कभी आ जाए तो कैसे आप क्लियर करेंगे? और आपका ये समूहवाचक, समूहवाचक। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, व्यक्तिवाचक में हमने कहा कि मोहन, तो मोहन क्या है? एक लड़का है और एक से अधिक लड़का, यानी कि मोहन कई नाम से संबोधित करने वाले लड़के अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो सभा हो जाए, दल हो जाए, जो भी हो जाए, यानी कि दल ही इकट्ठे हो गए या सभा लगा लिए किसी चीज़ का, तो ये आपका हो गया। जैसे हमने कहा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस कह देने से हमें लगा कि एक एक पुस्तक का नाम है और आपने देखा, और लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस है क्या, तो आप इसकी जात क्या बन जाएंगे? या तो धार्मिक पुस्तक कहेंगे या पुस्तक कहेंगे, बात एक ही है। लेकिन जहाँ मार्केट में हम बुक खरीदने जाते हैं, पुस्तक खरीदने जाते हैं, वहाँ पर एक से अधिक पुस्तकें अगर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भंडार। बात समझ रहे कैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक को क्लियर करना। जैसे गंगा, हमने पूछ लिया गंगा है क्या, तो आपने कहा कि गंगा एक नदी है, और एक नदी है तो अगर एक से अधिक नदियाँ एक जगह इकट्ठा हो गई तो क्या हुआ? संगम, समूहवाचक। ऐसे ही आपके तरीके हैं जानने के लिए। जैसे हमने सचिन का नाम लिया तो लोग सचिन को की जाति यही बतलाएंगे कि वह एक क्या है? क्रिकेटर है। और जब एक से अधिक क्रिकेटर हो गए तो उसकी क्या हो जो उनका समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे?
टीम कहेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति यानी कि क्या है, डाकू, डाकूगण ने कहा कि मानसिंह एक प्रसिद्ध नाम का एक डाकू रहता था जिसे बहुत लोग जानते, हिंदी अगर जितने पढ़ मानसिंह कह देने से तुरंत लोग कहते हैं कि वह एक डाकू था, तो उसकी जात क्या थी कि वो डाकू था। लेकिन एक से अधिक डाकू अगर एक जगह इकट्ठा हो गए तो उनका क्या हो गया था, गिरोह। तो ये देखिए आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक को कैसे क्लियर करेंगे, आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम देखते हैं चीज़ों को जो जानना था कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक और समूहवाचक को कैसे हमने जाना। द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में जो चीज़ें हमें जाननी है, बस यही इतना जानना कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी संज्ञा के नाप तौल की वस्तुओं का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसका बहुवचन नहीं होता है। एक इसी के साथ एक ट्रिक भी पढ़ लेते हैं, सिर्फ द्रव्यवाचक यानी कि लिक्विड के बारे में हम जानते हैं कि जितने भी द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर। कहने का मतलब है कि चाय, शराब या स्याही, ये 3 स्त्रीलिंग हैं। बाकी जो आपके पेपर में कभी कभी आता है दूध, दही, घी, मक्खन, पानी आदि क्या है, तो शेष पुल्लिंग होते हैं, चाय, शराब, स्याही, ये 3 स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे नहीं ये भी जान। अब द्रव्यवाचक का मतलब है कि जितने भी नाप तौल वस्तुओं का बोध होता हो, तो आपका पीतल, तांबा, पीतल, सोना, दूध, दही, बहुत पूछा जाता है दही क्या है, अब आज जान लीजिए दही पुल्लिंग है, दही, पानी, गेहूं, आटा, चावल, घी, दूध, जितने भी होते हैं नाप तौल के लिए, जैसे सोना, चांदी, पीतल, जितने भी होते हैं उसमें भी जितने भी धातुओं के नाम होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ चांदी को छोड़कर। चांदी ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि लगभग लगभग द्रव्यवाचक संज्ञा या अपवाद ना हो तो सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी संज्ञा जिसका बहुवचन नहीं होता, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा जो है हमारा, भाववाचक संज्ञा कहता है कि जब किसी व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण या दोष, भाव आदि का बोध होता है तो वह हमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सजावट, बहुत सारे शब्द होते हैं, लिखावट आदि, मिठास, जो भी शब्द आते हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 5 प्रकार के होते हैं भाववाचक संज्ञा, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे जानना है। कभी कभी जो चीज़ें समस्या ही से खड़ी होती है कि भाववाचक संज्ञा कहा जाए कि तो जातिवाचक ही क्रिया है, तो यही चीज़ आपको जानना है। जो इसके 5 भेद होते हैं उसमें पहली बात तो क्रिया के शब्दों में अगर प्रत्यय लग गया तो भी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम वाले शब्दों में अगर प्रत्यय लग गया तो भी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में अगर प्रत्यय लग गया तो भी भाववाचक संज्ञा, और क्रिया सर्वनाम जातिवाचक, चौथा आपका है कि अगर विशेषण में प्रत्यय लग गया तो भी आपका भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है अगर अव्यय में, अव्यय वाले शब्द में भी प्रत्यय लग जाते हैं तो भी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि भाववाचक के कितने भेद माने जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और आपके 5। अब देखना ये कैसे किन में प्रत्यय लगने के बाद भाववाचक संज्ञा बनती है, तो देखना यहीं पे है। जैसे क्रिया है तो क्रिया है तो क्रिया में देखेंगे कि क्रिया आपका क्या है, चलना क्या है, क्रिया है, चलना में आई जोड़ दीजिए क्या हो जाए,
चलाई। सिलना क्या है? क्रिया है, आपका हो गया क्या? सिलाई। तो अगर ये सब आ गए तो क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। इसी के साथ जैसे और भी है, घबराहट, सजावट, जो भी आपकी क्या है, सब क्रिया है। सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय लग गया, अब आप है, आप में पन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? अपनापन या अपनाव, निजत्व। तो इस तरह के प्रत्यय प्रत्यय लगा इसमें। जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, प्रत्यय लग गया क्या बन गया आपका? बुढ़ापा। तो इस तरह के जैसे लड़का है, पन प्रत्यय लग गया, जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया? लड़कपन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैसे सद विशेषण है, गर्म है, पानी क्या है? गर्म, विशेषता बतलाई, गर्म में ई प्रत्यय लग गया क्या हो गया? गर्मी, सर्दी। सुंदर है, सुंदर में ता प्रत्यय लग गया क्या हो गया? सुंदरता। तो कहने का मतलब है अव्यय है, वाह वाह क्या है? अव्यय है, उसी में क्या हो जाए? वाह वाही कर दिया जाए। शाबाश क्या है? अव्यय है, लेकिन जैसे क्या कर दिया जाए? शाबाशी। किसी को दिया जाता है शाबाश है तो उसे क्या कह देते? शाबाशी, यानी कि ई प्रत्यय लग गया। तो कुल मिला के ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर क्रिया वाले शब्द में प्रत्यय लग जाए तो भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम वाले शब्द में प्रत्यय लग जाए तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लग जाए तो भाववाचक संज्ञा, विशेषण वाले शब्दों में अगर प्रत्यय लग गए तो भाववाचक संज्ञा, अव्यय में अगर प्रत्यय लग गए तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद हमें जानना है इसके बारे में एक और चीज़। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के जो परिवर्तन होते हैं वो कितने रूपों में होते हैं। तो संज्ञा का जो परिवर्तन होता है, संज्ञा का रूपांतर या परिवर्तन जो होता है वो कितने रूपों में होता है? तो तीन, कितने रूपों में होता है? तीन। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारण। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि संज्ञा का रूपांतर या परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है किन किन कारणों से होता है, तो नंबर एक लिंग, नंबर दो वचन, नंबर तीन कारक, और एक ऑप्शन में और बना दिया जाए। ये तो हम अलग से बता रहे थे, इसमें इसको मत ऐड करिएगा, सिर्फ जानते रहिए। कहने का मतलब क्या है कि चौथा ऑप्शन आपका अगर बन जाए, चौथा ऑप्शन आपका दे दिया जाए पुरुष, और आपसे यही पेपर में पूछ लिया जाए कि किन कारणों से संज्ञा का परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक और पुरुष, तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना है? क्योंकि संज्ञा का परिवर्तन किस में होता है? लिंगों में भी होता है, वचनों में भी होता है, कारकों में भी होता है। लेकिन जब यही चीज़ आप सर्वनाम में पढ़ेंगे तो सर्वनाम का जो रूपांतर वो भी तीन कारणों से होता है, वहाँ पर पुरुष, वचन और कारक के आधार पर होता है। तो वहाँ पे आपसे रहेगा तो पुरुष वचन कारक जो होगा तो उसमें लिंग, यानी कि क्या होता है कि पुरुष वाचक इतना ही जानेंगे जब सर्वनाम जानेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो संज्ञा का परिवर्तन होता है इन्हीं तीनों कारणों से होता है, लिंग से, वचन से, कारक से, यानी कि इनके कारणों से आपका संज्ञा का परिवर्तन होता है। इसी के साथ आपका संज्ञा का जो टॉपिक था आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेकर के आते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद किसे हैं, सर्वनाम कैसे पहचाना जाता है, जो लोगों से गलतियां होती उसके बारे में बताते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।